सुप्रभात बच्चों, तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग ऑनलाइन आमने सामने हुए। इसमें आप परीक्षा दे रहे थे और आप अच्छे से लिखे भी होंगे, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ एक कविता है घर प्यारा। आपके किताब में सिर्फ पठन है, तो यानी कि पढ़ने के लिए एक कविता है। तो ये कविता किस चीज पर है? तो ये कविता देखिए घर पर है। आप सब कहाँ रहते हैं? तो घर में है। और घर में आप देखते होंगे कि घर में चूहे भी रहते हैं, आपके घर में बिल्ली भी रहती है और छिपकली भी रहती है। तो इसी पर एक कविता है। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा है अपना, लेकिन मैं कैसे मैं मानू, घर तो यह कितनों का अपना। एक बच्चा है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ तुम हमेशा कहती हो, सदा कहती हो, घर जो है वो हमारा है हमारा है, लेकिन मैं कैसे मानू कि यह घर मेरा है। मुझे तो लगता है कि यह घर कितनों का है, कितनों का ये घर है। जैसे कौन सा कौन कौन से है? देखो इसमें बना हुआ है मकड़ी और कई प्रकार के कीट होते हैं जो हमारे साथ, चींटी, ये सब हमारे ही घर में हमारे ही साथ रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये घर तो है मेरा है मेरा है। मैं नहीं, उस सबका भी यह घर है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकरम पकड़ी और छिपकली को तो देखो, चलती कैसे गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चीटियां दौड़ी जाती। बच्चा जो है वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो देखो कैसे चूहा जो है वो पकरम पकड़ी खेल रहा है, कैसे मच्छर टहल रहे हैं और कैसे मकड़ी जो है, मकड़ी को देखते हो ना, देखो मकड़ी है वो तुम्हारे घर में हमारे घर में जाल बुन लेता है और उसमें आराम से मस्ती में सोता है। तो देखो कैसे मस्त परी है मकड़ी, यानी कि मकड़ी जो है वो कैसे आराम से सो रही, और कि मच्छर देखते हो घर में इधर से उधर टहलते रहते हैं, हम लोग को क्या करता है वो काट लेता है। तो मच्छर जो है जो हमारा हम सबका खून पी करके ही वो जिंदा रहता है, उसको परजीवी भी कहते हैं। और छिपकली जो है वो कहाँ रहता है? आपके घर में दीवार में छत के नीचे जो है वो छिपकली एक लाइन से दो चार सब दौड़ता रहता है, वही जो है छिपकली जो है वो गश्त लाइन की लाइन बांध करके चलता रहता है। और चीटिया को भी देखते हो लाइन लगा करके हमारे घर में घूट चलता रहता है चारों तरफ से, और जहां भी कुछ मीठा गिर जाता है उसमें क्या करने लगता है वो खाने लगता है, और ढो ढो करके वो अपने घर में भी लेकर के जमा कर लेता है। और उधर आंगन में देखो कैसे पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पे झगड़ रहे हैं। फिर बालक जो है वो अपनी माँ को बोला कि देखो माँ कैसे आंगन में पंछी जो है, चिड़िया पंछी यानी कि चिड़िया आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जैसे मैं और दीदी आपस में झगड़ा करते हैं। इसलिए तो कहता हूं माँ घरे यह सिर्फ न समझो हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घरे यह प्यारा। तो इसी के साथ आज आपका ऑनलाइन कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।